हुजूर फरमाते हैं जहन्नम के अंदर एक वादी है जिसको वादी लमलम कहते हैं। उसके अंदर जो बिच्छू हैं उनकी जो गर्दनें हैं वो ऊंट की गर्दनों की तरह मोटी मोटी हैं। उनकी जो लंबाई है वो एक महीने की मसाफत है। हुजूर फरमाते हैं अगर वो किसी के डंक मार दें तो उनका जहर इंसान के अंदर 70 साल तक रहता है, 70 साल तक। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये अजाब किसको दिया जाएगा, ये बिच्छू किसके डंक मारेंगे? हुजूर फरमाते हैं जो नमाज में सुस्ती करते हैं, जो नमाज में गफलत करते हैं, और वो बिच्छू जब डंक मारेंगे ना तो जिस्म कट कट के गिर जाएगा, झड़ झड़ के गिर जाएगा, हड्डी टूट टूट जाएगी। वो जहरीले बिच्छू, खेत का बिच्छू अगर डंक मार दे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहन्नम के अंदर वादिये लमलम के बिच्छू का डंक कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या हमारे जिस्म के अंदर ये ताब है? क्या हमारे नाजुक जिस्म ये उन बिच्छुओं के डंक बर्दाश्त कर सकते हैं जो अगर डंक मार दे उनका जहर 70 साल तक जिस्म के अंदर रहता है? जिस्म झड़ झड़ के गिर जाएगा, हड्डी टूट जाएगी, चकनाचूर हो जाएगी। कौन है जो उस अजाब को बर्दाश्त कर सकता है? मेरे भाइयों, तुम्हें खबर नहीं है, तुम्हें लगता है सब ऐसे ही है, पर जब कब्र के अंदर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। आ जाओ अभी अल्लाह की तरफ, आ जाओ उसकी रहमत।